हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की कोफ्ते की सब्ज़ी। हम यहाँ कच्चे केले से कोफ्ते बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने वाला ये बता भी नहीं पाएगा कि ये कच्चे केले से बने हैं। इसकी कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है कि लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएँ। इस सब्जी को बनाने के लिए हमने लिए हैं 6 कच्चे केले। सबसे पहले हम सभी केलों को इस तरह एक डिब्बे में रखेंगे। कुकर में पानी डालेंगे और उसके ऊपर हम जाली रखेंगे। यहाँ मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने पानी और डाला है। कच्चे केलों को कुकर में रखेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर की एक सीटी लेंगे। इसके बाद गैस स्लो करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। कुकर जब ठंडा हो जाए तब हम उसका ढक्कन निकालकर इन केलों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केले जब ठंडे हो जाए तब हम इसका ऊपर का छिलका निकालकर केले को अलग रख देंगे। इसी तरह सभी केलों के छिलके उतारकर केले को अलग कर देंगे। केलों को कुकर में पकाते समय ध्यान रहे कि एक से ज़्यादा सीटी ना ले, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएंगे और बेसन ज़्यादा लगेगा। छिले हुए केलों को हाथों से हम मैश करेंगे। मैश किए हुए केलों में कोई भी टुकड़े ना रहें, इसके लिए हम एक मैशर से इन सब को मैश करेंगे। आप चाहें तो एक ग्रेटर से भी इन सभी केलों को ग्रेट करके रख सकते हैं। मैश किए हुए केलों में हम 2.5 चम्मच बेसन डालेंगे। एक प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है, उसे भी हम इसमें डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को रफली चॉप करके डालेंगे। 4 टीस्पून हरा धनिया डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा डालें। 1 टीस्पून नमक या अपने स्वाद के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून चाट मसाला, इससे कोफ्तों का स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। 1/2 टीस्पून चिकन मसाला। 1/2 टीस्पून गरम मसाला। यहाँ मैंने बेसन यूज़ किया है इसलिए मैंने 2 चुटकी अजवाइन डाला है। 1/4 टीस्पून ज़ीरा। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। 2 टीस्पून दही और 1 टीस्पून घी। अब इन सभी मसालों को और मैश किए हुए केलों को अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएं। दही और घी डालने से हमारे कोफ्ते एकदम ही सॉफ्ट बनेंगे। 1/2 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, इसे मैं डालना भूल गई थी, इसे डालने के बाद मैंने फिर से इसे मिक्स किया है। हमारे कोफ्ते का मिक्सचर रेडी है। अब हम कोफ्ते के मिक्सचर की लोइयाँ बनाएंगे। लोइयों की साइज़ अपनी इच्छा अनुसार बड़ी या छोटी रखें। सभी लोइयों को बनाकर एक बॉल में रख लें। तेल को मीडियम टू लो गैस पर गरम करें। जब तेल हल्का गरम हो जाए तब हम इसमें इन लोइयों को छोड़ेंगे। मैंने जो कढ़ाई यूज़ की है वो छोटी है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े डालकर फिर तलूँगी। कढ़ाई में कोफ्तों को डालने के बाद इन्हें 1-2 मिनट तक इसी तरह पकने के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही करछी से हिलाएँ। अगर आप कोफ्तों को डालते ही हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जब कोफ्ते सुनहरे हो जाएं तब हम इसका तेल निथार कर एक प्लेट में इन्हें निकाल कर रख देंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए कोफ्तों को भी हम धीरे धीरे इस कढ़ाई में छोड़ेंगे और तल कर निकालेंगे। सभी कोफ्ते तलने के बाद एक प्लेट में इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक बाउल में हम ड्राई मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार नमक, यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा। 3/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब कढ़ाई में 3-4 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे, इससे हमारी सब्जी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तेल को धुआं उठने तक गर्म करें और फिर गैस बंद करके तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जब ज़ीरा अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची।
और एक तेज़पत्ता। जब ये मसाले थोड़े से भुन जाए तब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे जिसे हमने एक बाउल में रखा था। ड्राई मसाले जले नहीं इसलिए हम एक कटोरी इसमें पानी डालेंगे। अब इन मसालों को हमें लगातार चलाना है जब तक कि ये अपना तेल ना छोड़ दें। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 4-5 काली मिर्च और 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालकर एक महीन पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हम डालकर 2 मिनट तक भुनेंगे। 2 मिनट के बाद हम 3 टमाटर की जो पेस्ट बनाई थी उसे भी हम इसमें डालकर फिर से कड़छी से हिलाते हुए भुनेंगे। इस मसाले को हम 3-4 मिनट इसी तरह भुनेंगे। भुने हुए इस मसाले में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इस मसाले में हम 2.5 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। बेसन को हमने थोड़ा से घी में भुनकर रख लिया था। एक कड़छी की मदद से हम इस बेसन को मसाले के साथ मिलाएंगे। ध्यान रहे जब आप बेसन डालें तब आपकी गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो बेसन की गुठलियाँ पड़ जाएंगी। जब मसाले में बेसन अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसमें 4-5 कटोरी पानी डालेंगे। ग्रेवी को पतला ही रखें क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद कोफ्ते भी इसका पानी सोखेंगे और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। मसाले को हम 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर इसी तरह उबलने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट बाद जब मसाले में ऊपर तेल दिखने लगे तब हम इसमें 1/2 चम्मच चिकन मसाला डालेंगे। चिकन मसाला डालने के बाद इसे 1-2 उबाल देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। जब आपको ये सब्जी परोसनी हो उसके 1-2 मिनट पहले ही आप इसमें कोफ्ते डालें। कोफ्ते डालने के बाद आप कड़छी से इसे ज़्यादा ना हिलाएं। अगर आप कोफ्ते पहले से डाल के रख देंगे तो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी और हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है कच्चे केले की कोफ्ते की सब्ज़ी। जितनी ये सब्ज़ी देखने में लाजवाब लग रही है उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।